हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम मिगौड़ी की रेसिपी लेकर आए हैं फ्रेंड्स। ये बहुत पसंद आने वाली है आपको रेसिपी, तो वीडियो पूरी देखना फ्रेंड्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गैस पे एक कढ़ाई रखनी है, उसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल डालना है। तो थोड़ा हमें ऑयल ज़्यादा चाहिए, तो ये ऑयल हमने डाल दिया है। ऑयल जब तक गर्म होगा तब तक हम दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं। तो इधर हमने मिगौड़ी ले ली है और एक चम्मच हमें हल्दी लेनी है एक कटोरी में। तो इस कटोरी में हमें पानी भरना है, हल्दी को घोलना है। तो जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा तब तक ये कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमें हल्दी में पानी डाल के रख देना है और उधर देखेंगे कि ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका होगा तब तक। तो ये ऑयल गर्म हो गया है, तो अब इसमें ऐड करेंगे मिगौड़ी। तो फ्रेंड्स, ये मीडियम फ्लेम पे धीमे धीमे से इन सभी मिगौड़ियों को भून लेंगे और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और हल्की हल्की सी खुशबू आने लगती है। बहुत ही टेस्टी लगती है इसकी रेसिपी, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो ये मिगौड़ी हमारी भुन के तैयार है। अब इसे निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। तो ज़्यादा हमें भूननी नहीं है, नहीं तो ये इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो अब इसी ऑयल में हम एक पिंच हींग ऐड करेंगे और आप चाहें तो यहाँ ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें ऐड करनी है हल्दी जो हमने घोल के रखी थी। तो इस हल्दी में आने देंगे बॉयल। तो इस तरह से हमारी हल्दी में जब तक बॉयल आएगा तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो हल्दी में बॉयल आ चुका है, उसके बाद हमने इसमें मिगौड़ी ऐड की है। तो फ्रेंड्स, हमें पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है क्योंकि हमारी मिगौड़ी फूलेंगी, तो अगर पानी कम होगा तो फूल नहीं पाएंगी। तो जब तक मिगौड़ी हमारी फूलती है तब तक हम दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं। तो इधर हमने भगोना ले लिया है और इसमें एक कटोरी ऐड किया है बेसन। तो अब इस बेसन को घोलना है हमें, उसके बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके छाछ ऐड करनी है, मट्ठा या दही कुछ भी हो तो वो ऐड करना है। तो इस तरह से हम बेसन को घोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान ये रखना है कि दही हमारी खट्टी ना हो। अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो ले सकते हैं खट्टी दही। तो थोड़ा थोड़ा दही या पानी डाल के इस बेसन को घोल लेंगे। उसके बाद ये मिगौड़ी में हमारी फूल के तैयार हैं। तो इस बेसन को हमें इन मिगौड़ियों में ऐड करना है। तो मट्ठा थोड़ा चेक कर लें फ्रेंड्स कि खट्टा है या आप अपने हिसाब से खट्टा या कम खट्टा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बेसन घोल दिया है और इसी तरह से चलाते हुए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे बेसन में बॉयल आ गया है। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, तो एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो इन सभी को कर देंगे मिक्स। तो ज़्यादा मसाले हमें नहीं चाहिए और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स इस तरह से। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो कढ़ी में हमारे में उबाल आ गया है। अब इस गैस को कर देंगे स्लो और स्लो गैस पर हमें 30 मिनट तक इस कढ़ी को पकाना है। तो अब ऐड करेंगे नमक। तो फ्रेंड्स, जितना इसे पकाएंगे कढ़ी को उतनी ही टेस्टी बनेगी। बहुत ही टेस्टी लगती है ये कढ़ी, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो अब इसे ढक के हम पका लेंगे। तो 30 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारी कढ़ी हो जाएगी। तो कढ़ी हमारी बन के तैयार है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, फ्रेश धनिया फ्रेंड्स ऐड करनी है हमें। तो ये कढ़ी हमारी बन के तैयार है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते रहेंगे ऐसी नई नई रेसिपीज का, तब तक के लिए बाय बाय।